वहीं गायों से लेकर गोचर भूमि बचाने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बरसों पूर्व आंदोलनों में अपनी भागीदारी निभाते आए हैं और आज भी पूरी तरह से समर्पित हैं। प्रदेश भर में गोचर भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में जरूर गंभीरता से काम करेगी। राज्य सरकार का विषय है, निश्चित ही राज्य सरकार को इन विषयों पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। मैं तो क्योंकि गोचर आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं बीकानेर में आज से 30 साल पहले गोचर बचाने की मुहिम के साथ जुड़ा था, तब से लेकर के निरंतर इस दिशा में काम करता हूँ और मुझे लगता है कि बल्लेलाल जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीरता से इस दिशा में काम करती है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गोचर भूमि को लेकर शुरू की गयी फर्स्ट इंडिया न्यूज की इस मुहिम की भी सराहना की है। गौचर, ओरण, तालाब का अगोर और तालाब, ये चार चीजें हमारे यहाँ कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टी हुआ करती और पिछले 30 साल से पहले के शताब्दियों के इतिहास में उसके संरक्षण की जिम्मेदारी गांव ने रखी और कोई उसकी तरफ किसी भी तरह का क्षरण करने की कल्पना भी नहीं करता।